सबकी धड़कनें तेज हो जाती हैं आपको हो देखकर। रही है तो सब जैसे मुझको ना रोमांटिक हीरो ही बनाए जा रहे हो तुम लोग, कहीं तेज हो जाती है। पिघलने लगा सुमेला जी सर, मैंने आपके नाम का सर आपका फोटो भी बनाया है सर अपने हाथ पर। कहाँ पे दिखा मुझे? सर ये आपका फोटो भी बनाया है मैंने। ये कोई और हीरो तो नहीं लग रहा, मैं ही लग रहा हूँ ना? सर आपका नाम भी लिखा है उसने। नहीं अभी हम जब मिलेंगे ना यार, दिस टाइम व्हेन वी मीट ना, तो मुझे थोड़ी सी मेहंदी लगा देना तो सुमेला। जी सर बिल्कुल। बचपन नहीं, मैं बचपन में सीरियसली बता रहा हूँ, मेरी मम्मी लगाती थी मुझको जब ना घर में ऐसे, वहां पे दिल्ली में गर्मी होती थी, सो दे यूज्ड टू से कि थोड़ी मेहंदी लगाओ तो ठंड मतलब गर्मी ज्यादा नहीं होती, तो ऐसे राउंड बना देती थी मेरी मम्मी। यहाँ पहले तो कंग्रेचुलेशन है। सोनिया आपकी शादी हो गई? हेलो, थैंक यू सर। जी कंग्रेचुलेशन जी, सोनिया यार, थोड़ा सा मेरा इंतजार कर लेती, मैं कर लेता यार। सर मैं अभी भी रेडी हूँ, आप आइए। हाँ ठीक है, हम कुछ एडजस्ट करते हैं, अपने हस्बैंड को बोल रहे हैं। बट माशाल्लाह गॉड ब्लेस यू। कब हुई शादी? कब हुई? 25 नवंबर। 25 नवंबर, खुश हो तुम? जी। क्या नाम है हस्बैंड का? रतन। रतन अच्छा है जी, बहुत अच्छे हैं। इवन उन्होंने आपके लिए मैसेज भी भेजा है, वो भी आपसे बात करना चाह रहे थे। बट मैं उनका मैसेज आपको बोल देती हूँ। एक तो वो आपका आपको नमस्कार करना चाह रहे थे और आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहे थे कि आप आगे आए और एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए एक मिसाल कायम कर रहे हैं, उनका सर्जरी करा रहे हैं। और क्योंकि उनका कहना यही था कि इतने सर्वाइवर्स हैं, अगर आप ना होते तो पता नहीं कितने सर्वाइवर्स का इलाज ना हो पाता। और वो आपकी सेहत के लिए, तरक्की के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं और वो चाहते हैं कि जल्दी ही उनका भी मिलना हो आपसे। नहीं प्लीज, नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे, पहले तो रतन को मेरी तरफ से यार बहुत बधाई देना। जी जी सर, थैंक यू सर। उसको बोल देना, उसको पता नहीं है कि तुम कितनी अच्छी लड़की हो, कितना लकी जी, थैंक यू सर। और दूसरी बात, मैं तुम लोग यार प्लीज ना, मैं मेरे लिए नहीं मांग रहा हूँ, मैं चाहता हूँ तुम दुआ करो कि मैं ना बहुत कर सकूं, और भी जो भी लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, हम सब मिल बांट कर ना उनको अच्छा करें यार, जितना हो सकता है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मुझे बहुत मुझे मालूम है, गीतिका लगी रहती है, शाहीन भी मेहनत करती रहती है, आप सब करते हो, लेकिन इंशाल्लाह इसको ना हम सभी सभी को हम थोड़ा बहुत ठीक करवा सकें, इलाज करा सकें, थोड़ी खुशी बांट सकें एक दूसरे के साथ यार। तो हम ये जिंदगी भर का सफर है और आहिस्ता 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 करके और हम सब लोग साथ में जो है एक दूसरे का थोड़ा बहुत दुख बांट लेंगे और बहुत सारा सुख दे देंगे। तो ये बड़ी सुख की बात है तुमने शादी कर ली, दुख की बात ये है कि मेरा कोई बात नहीं है। नहीं सर, आप चिंता मत कीजिए, मैं और मेकअप का कोर्स करके जल्दी बॉलीवुड में आपके पास काम करने के लिए आना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, प्रॉमिस कर लो मुझसे। सर आप प्रॉमिस कीजिए कि आप पक्का मुझे वहाँ बुला रहे हैं ना? 100% 100%, तुम जल्दी से कोर्स कर लो, सीख लो, फिर हमारे साथ करो काम, कंपनी में करो इंशाल्लाह। हमारे साथ अनुपमा जुड़ी हुई है। अनुपमा कंग्रेचुलेशंस आपको भी। सर नमस्ते। सर नमस्कार। नमस्कार, कंग्रेचुलेशंस, बेबी हुआ? जी सर। बॉय गर्ल? बॉय हुआ सर। माशाल्लाह वेरी गुड। नाम क्या रखा? नाम लकी। लकी जी, तो बहुत अच्छा नाम रखा यार। सब खुश हैं? जी सब खुश हैं। वो खुश है, कितना कितना बड़ा हो गया अभी? अभी 7 महीने सर। 7 महीने का जी। बाल आए हैं उसके? बाल हैं? हाँ बाल है अभी। जब मेरे बच्चा एक बेबी पैदा हुआ था ना, उसके बाल बहुत कम थे यार शुरुआत में। कहाँ है दिखाओ। बुम ओ लकी, माशाल्लाह सो हैंडसम ही इज। हाउ आर यू? सो स्वीट यार। अभी सो के उठा सर। नहीं नहीं यार, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत स्वीट है, शक्ल में पड़ रहा है, बहुत अच्छा लड़का। सब आराम से, बेबी आराम से हुआ, कोई तकलीफ नहीं? नहीं सर बहुत ठीक से हुआ। चलो वेरी गुड। एंड यार वो अपना मोहिनी का भी बेबी होने वाला है ना? मोहिनी। हेलो सर। मोहिनी हाउ आर यू? फाइन सर। कितने मंथ हो गए अभी बेबी के लिए?
सर 8 मंथ हो चुके हैं, ऊपर वाला चाहा तो नेक्स्ट मंथ में कभी भी। तो दैट मींस तकरीबन अप्रैल में हो जाएगा। जी जी जी। अरे वेरी गुड वेरी गुड, एक्साइटेड हो? बहुत ज्यादा। ले लो थोड़ी अनुपमा से टिप्स ले लो, क्या क्या करना है। जी बिल्कुल सर, वैसे एक बेटा है 5 साल का हो चुका है, और अब सेकंड दुआ कर रहे हैं कि अब एक लड़की हो जाए तो फैमिली कंप्लीट हो जाए, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। यार जो भी होगा बच्चा होगा, खुशी होगा, लड़की होगी तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मोहिनी क्या सोचती हो, नाम क्या क्या सोचा, या हम हेल्प करें उसमें नाम रखने के लिए बेबी का? हमने एक्चुअली बेटी का नाम सोच के रखा हुआ है कि बेटी हुई तो हम उसका नाम सृष्टि रखेंगे। सृष्टि? जी यार लवली नेम, सृष्टि तो बहुत अच्छा नाम है यार। जी और चलो हम सब लोग रियल में कम अच्छा है ना, हम लोग सब प्रे करते हैं कि सृष्टि हो। थैंक यू सो मच सर, हमारे पास वो लकी भी रेडी है, सृष्टि भी है, तो फैमिली फैमिली में हम बाद में जो है मिलन भी करा सकते हैं। जी या फिर भाई बहन की तरह पलेंगे पड़ेंगे, जो आप लोगों को रिलेशनशिप अच्छा लगे। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी सर, जब आप आएंगे तो क्या बात करेंगे, कैसे करेंगे। फर्स्ट टाइम जब हम आप मिले थे आपसे, तो मैं सीरियसली बताऊं, मैं बहुत सारी बातें सोच कर आई थी, लेकिन आपको उस समय मैं देखती हुई रह गई थी, और मैं हंसने के अलावा मुझे कुछ बात सूझी नहीं रही थी उस समय। तो अभी बता दो जो दिल में बात है मेरे से यार, खुल के बात क्या करो, फिक्र मत क्या करो। बिल्कुल सर, आपको देख के हम इतना टेंशन फ्री हो जाते हैं, इतने रिलैक्स मूड पे हो जाते हैं कि कुछ समझ ही नहीं आता है कि क्या बात करें क्या नहीं करें, बस दुआ निकलती है आपको देख के। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं यार, आप लोगों को दिल में बात हो, कुछ कुछ बताना चाहो सर। दिल में तो ये बात है, सबकी धड़कनें तेज हो जाती है आपको देख के। तुम सब जैसे मुझको ना रोमांटिक हीरो बनाए जा रहे हो तुम लोग, मुझको धड़कनें तेज हो जाती है। बट यू बीन हैप्पी, एवरीथिंग हैज बीन वेल अदरवाइज। नेक्स्ट मंथ बेबी है, तो सब लोग एक्साइटेड है घर में? बहुत ज्यादा सर, सब एक्साइटेड है। थोड़ा ध्यान रखो अपना, ख्याल रखो। सर हमारे साथ ना एक नई सोनाली मुखर्जी, एक सर्वाइवर हमारे साथ जुड़ी है, तो मैं चाहूंगी आप उनसे भी बात करें। हाँ सोनाली नमस्ते। हाँ सर कैसी हो? नमस्कार। अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ। आपके बाद तो मेरी आईसाइट चली गई, मैं आप सबको सुन रही हूँ, एंड मैं आपके गानों को सुन सुन के मैं बता नहीं सकती और कितने टाइम हॉस्पिटल में बिताया है। एंड अभी कहीं आपकी फिल्में आती है तो सुनती हूँ और सुन के बहुत एंजॉय करती हूँ सर। कौन सा मेरा गाना अच्छा लगता है आपको? वो गाना है ना कल हो ना हो का, वो गाना मैंने अपने जीवन में पूरा आत्मसात किया है। तेरे लिए गाना गाता हूँ मैं, साथ में शुरू कर, मैं साथ में जुड़ जाऊंगा तेरे। 1 2 3 स्टार्ट कर। हाय घड़ी बदल बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। मैं पूरी कोशिश करती हूँ लाइफ को अच्छे से जीने की। मैं बहुत खुश हूँ सर कि आपने हम लोगों के बारे में सोचा, लेकिन मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग है आप पहले हो सर जिन्होंने ऐसा सोचा। कितने की मेरी फ्रेंड्स और मेरे बहनों का ऑपरेशन हुआ पॉसिबल हो पाया ड्यू टू मेरी फाउंडेशन। मतलब आपका सोच सर आपके व्यक्तित्व को बहुत ऊंचा ले जाता है, मेरे पास शब्द ही नहीं है, तो बहुत छोटा हो जाएगा आपके लिए। नहीं कुछ नहीं बोले सोनाली, मैं आप लोगों से बहुत जेन्युइनली प्यार करता हूँ, और मेरी उम्मीद भी यही है, कोशिश भी यही है कि गीतिका के थ्रू, मील फाउंडेशन के थ्रू जितने लोग हमारे साथ जुड़े, और इंशाल्लाह हम बहुत कोशिश कर रहे हैं स्पेशली गीतिका इसको एक्सपैंड करने की, कि हम और भी चीजें साथ मिलकर करें यार। आपके लिए नहीं कर रहा हूँ मैं ये, ना मैं अपने लिए कर रहा हूँ ये, बस हम सब साथ में कर रहे हैं दोस्ती में, और क्या, बस खुश हैं हम लोग। अपना ध्यान रखो, और मुझे बड़ी खुशी है आप हमारे साथ जुड़े हो, और हम जरूर जल्दी से मिलते। जी सर, बाय द वे मैं आपको बताना चाहूंगी, मुकीमा है जिसको नई नई जॉब मिली है दिल्ली में, तो अस्सलाम वालेकुम सर। मुकीमा वालेकुम सलाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ सर। कहाँ तुम जॉब पे हो अभी? नहीं सर, एक्चुअली मेरा ट्विस्ट को ऑपरेशन है, तो मैं मैक्स हॉस्पिटल में हूँ। और मैंने सुना तुमने फ्लिपकार्ट किया है।
हाँ जी सर, मैं फ्लिपकार्ट में टीम लीडर हूँ। मैं एक्चुअली मैं आपके बहुत बड़ी फ्रेंड हूँ और मैं साइन मैम को बोला हूँ कि मुझे एक बार मिलना है मुंबई। जब मैं ट्रीटमेंट के लिए गया था तो साइन मैम ने बोला कि ठीक है, जब जाओगे तब बता देना। नहीं अभी हम ना फिक्स अप करेंगे मोकिमा, हम हमेशा मिलते हैं साल में एक या दो बार, इस साल हुआ नहीं तो मुझे भी बड़ा दुख है, लेकिन इंशाल्लाह अभी चीजें ठीक हो जाएंगी ना तो हम मुंबई में या मैं दिल्ली में आऊंगा तो जरूर। शाइन प्लीज फिक्स अप करना यार। जी यस सर, बिल्कुल सर। आपको पता है मैंने जो ऑपरेशन किया था वो कलकत्ता में किया था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। 6 टाइम मैंने ऑपरेशन ऑलरेडी किया लेकिन मेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ। मैं जब बीएल कपूर में एक बार मैं ऑपरेशन किया तो मेरा सक्सेसफुल हुआ। आई एम सो हैप्पी सर, रियली आई एम सो हैप्पी कि मुझे पूरा सुनाई देती है। कान की वजह से मुझे रात भर सो नहीं पाती थी, इतना दर्द होता था मेरा। मेरा लास्ट कैंप किया था, लास्ट कैंप जो हमने किया था सारा गीत अरेंज किया था, उसमें जो सर्जरीज हुई थी तो मुकीमा की भी उसमें सर्जरी हुई थी। तो मुकीमा अभी आपको कान में सुनाई मतलब ठीक हो गया, बेहतर हो गया? आप देखिए मैंने ईयरफोन से बात कर रही हूँ आपसे। मैं तो कितना सिली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बिल्कुल ठीक हो गया माशाल्लाह, अच्छा लग रहा है मुझे। एकदम ठीक हो गया सर और कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होता। आई एम सो हैप्पी सर, थैंक यू सो मच। ऐसे ही रहो, एकदम हेल्दी रहो, खुश रहो, और जब भी फ्लिपकार्ट पे कोई डिस्काउंट हो तो मुझको पहले बता देना, हम सबको पहले बता देना। सर मैं आपको, हमारे सबके बीच में एक स्ट्रांग लड़की ऐसी मौजूद है जिसकी सर्जरी भी हुई थी, आई सर्जरी हुई थी जब लास्ट कैंप में, और वो होटल में रुकी हुई थी क्योंकि हमने रहने का भी अरेंजमेंट किया था सब कुछ, और वो वहां पर इतना अच्छा डांस कर रही थी और वो डांस का वीडियो वर्ल्ड फेमस हो गई थी फेसबुक के ऊपर। मैंने, मुझे पता है। अब कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तुम बेटर फील कर रही हो? बहुत बेटर फील कर रही हूँ, मुझे कुछ कहना है। हाँ बोलो ना। मतलब बहुत कुछ कहना है पर अभी कुछ बस कहना है। तीन बातें कर लो, 1 2 3 कर लो। हाँ नहीं नहीं मैं बोल रही हूँ, क्या है ना, सर्जरी लास्ट टाइम किया था, अच्छा हुआ, फिर करूंगी, ये एक बात है। पर मुझे एक सिचुएशन के बारे में पता है। वेस्ट बंगाल में लास्ट जो एक अम्फन हुआ था ना, तो उसमें बहुत 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 सारा प्रॉब्लम हुआ था, घर दुकान सब एकदम खराब हो गई थी। तो मतलब कहाँ जाए, बहुत लोग आए थे, हेल्प किया, पर उससे ना होता नहीं, क्योंकि बहुत लोगों के साथ ऐसा हो गया है, सबके घर खराब हो गया है, जो साइक्लोन वगैरह हुआ था ना। तो फिर मी फाउंडेशन के जो हेल्प मिला है वो, मतलब मेरा जो टीम है, मैं भी 2-3 लड़की का कांटेक्ट भी दिया था, सबको बहुत हेल्प हुआ। वो सब आपको बहुत शुक्रिया कहने के लिए बोला सब लड़कियों ने। और मुझे बस ये कहना है कि आप ऐसे कभी कभी फोन किया कीजिए और मिल लीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारा एनर्जी मिलते हैं इसमें, होता है ना, बहुत सारा पॉजिटिविटी मिलती है कि चलो फिर से आगे बढ़ते हैं। बहुत घर में बहुत टाइम बैठे बैठे मतलब क्या मतलब काम किया है उस टाइम, हमारा जो संगठन बना है उसमें से कुछ देना, सब गाँव में जाना, ये सब किया है। पर वो क्या होता है ना, जो हम लोगों के साथ असली वाला जो हुआ है वो तो हमारा खुद के साथ हुआ है, खुद को होती है, तो एक टाइम के बाद हम लोग बहुत मतलब एनर्जी चले जाता है। तो मतलब मीर फाउंडेशन जब से मिला तो एक एनर्जी मिल गया था, पर एसआर के सर से मिलूंगी ये तो सब तो कितना जवाब दूं, मैंने सोचा कि टी-शर्ट बना लूं। नहीं मैं वनीषा अभी मिलूंगा यार, मुझे भी इतनी खुशी होती है तुम्हें खुश देखकर। सर नेक्स्ट हमारे साथ रीमा है। हाँ रीमा, आपकी आई सर्जरी होने वाली है? सर पिछले 4 दिन से ये आपके टाइम की वजह से अपनी सर्जरी पोस्टपोन करे जा रही है। ऐसा मत कर यार रीमा, सो सॉरी यार। हाय हाय हेलो सर, आई का ऑपरेशन के लिए मुझे डेट मिला था पर मैं डेट आगे बढ़ाई जा रही थी। मैं पहली बार जब आपसे मिली थी तो बस मैं आपको देखती ही रह गई, मैं कुछ सही से बात भी नहीं कर पाई, बहुत सारी बातें करने की टाइम मतलब मिल पाई, लेकिन आपको सिर्फ देखे जा रहे थे। लेकिन तो अभी बात कर लो, अभी बात कर, अभी कब है सर्जरी, कब है सर? कल का डेट लिया हम आज। कल है? हाँ। चलो पहले तो मैं दुआ करता हूँ कि एकदम ठीक ठाक हो जाए सब कुछ इंशाल्लाह। थैंक यू सर। तुम बिल्कुल ठीक ठाक, बिना पेन के, बिना किसी तकलीफ के आ जाओ। अब बातें कर लो मुझसे, फिर कल परसों फिर से कर लेंगे या जब मिलेंगे। सब भी ऑल द बेस्ट कहना चाहेंगे रीमा को, अच्छे से सर्जरी हो जाए। सो ऑल द बेस्ट, प्लीज लुक आफ्टर योरसेल्फ।
और ज्यादा पोस्टपोन नहीं करना, जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर नेक्स्ट मीटिंग करेंगे सर के साथ इंशाल्लाह जल्दी से। सर हमारे साथ अरुणा भी है। हेलो सर, कैसे हैं? हाय अरुणा, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। ऑल वेल विद यू? क्या चल रहा है, क्या करती रही तुम पैंडेमिक के बीच में? कुछ नहीं सर, सर्विस चल रही है अपनी। बाकी अभी आपने सोनिया को ऑफर दिया है जिसकी शादी हो चुकी है, जो कुमारा बैठा है उसको ऑफर ही नहीं दिया आपने। जो कुमारे उनको ऑफर की जरूरत क्या है, ऐसे ही कर लेंगे ना वो तो। नहीं सर, हम आपके लिए कुमारे बैठे हैं कि एक दिन आप ऑफर देंगे। डन है, डन है। अरुणा मुझे बता दो तारीख, बता दो अभी तो पेंडेमिक के वक्त अभी आ जाता। कहाँ रहती हो तुम? नहीं बस आप एक लाइन गा दो, किसका है तुमको इंतजार, मैं हूँ ना अरुणा। ओके, किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूँ ना अरुणा। लव यू अरुणा, गॉड ब्लेस यू, बी हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू सर। हमारे साथ रूमा भी है छत्तीसगढ़ से, और जिनकी एक सर्जरी हमारे साथ हो चुकी है और वो आपकी बहुत बड़ी फैन है, आपसे बात करना चाहती है। हाय हाय रूमा, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, हाउ आर यू? आर यू फीलिंग? कब हुई थी सर्जरी तुम्हारी? सर मेरी अभी लास्ट नवंबर में हुई थी, 2019 में। आर यू फीलिंग ओके, बेटर? यस सर, मेरा चिन और मेरा नेक अटैच था। हां, नेक की सर्जरी हुई जी। सो इट्स फीलिंग बेटर नाउ? अभी अटैचमेंट कम किया उन्होंने? यस सर। ओके सर, मैं तो मतलब देख भी नहीं पाती थी सीधे, लेकिन अभी ठीक है। तो अभी कुछ टाइम से मैं अच्छा भी फील कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे साथ 2019 में ही हुआ ये, तो अभी ठीक हूँ मैं। फिजियोथेरेपी कर रहे हो? करने को बोला उन्होंने कि अभी करने बोला? कुछ भी नहीं कहा था उन्होंने। हाँ अभी, हाँ नो, यू टेक इट इजी ओनली देन। अभी से कॉन्ट्रैक्चुअल रिलीज किया है तो एटलीस्ट मूवमेंट है उसमें। ओके, एंड देयर विल बी अनदर सर्जरी टू मेक इट बेटर? यस यस जी, मतलब मैं सामने भी नहीं देख पाती थी, लेकिन अभी मैं ठीक हूँ, छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं बताऊंगी सर, मीर फाउंडेशन जैसे सर्जरीज के साथ साथ अब स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट पे भी हमने मतलब दूसरे कंपनीज के साथ हम थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी सर्वाइवर्स को मिल सके। तो और पेंडेमिक में भी सर्वाइवर्स को हमने मतलब हम सब ने उनको एक साथ मिलकर रहे, हमें अकेला नहीं छोड़ा, मीर फाउंडेशन ने कभी अकेला नहीं छोड़ा। तो इस चीज के लिए मैं फिर से आपको थैंक्स कहना चाहूंगी, गीतिका को। नहीं यार शाहीन, आई'd like to thank you शाहीन एंड गीतिका, both of you and the rest of your team। आप लोग इतनी मेहनत करते रहते हो, मैं तो सिर्फ नाम का इसमें आ जाता। अगर आप लोग नहीं होते तो हम इसको आगे बढ़ा ही नहीं सकते। सो प्लीज डू द स्किल डेवलपमेंट। आई नो हमारे पास अभी लिमिटेड रिसोर्सेज है, बट इंशाल्लाह हम कुछ रिसोर्सेज भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे सर मैं आपको एक बार और दिल से थैंक्स कहना चाहूंगी कि आप आए अपना बिजी शेड्यूल निकाल कर, लेकिन आज मैं बताना चाहूंगी कि हम भी ना थोड़े से बिजी थे, क्योंकि हम आपके लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहे थे और एक बहुत प्यारा सा वीडियो है जो हम सब ने मिलकर बनाया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी गीतिका सर को दिखाए। डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना। राती मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूँ ना देख लो इधर। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। तुमसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर होगा क्या एक आपसे रिक्वेस्ट भी है, मैं गीतिका से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि क्योंकि ज्यादा फैसिलिटीज ट्रीटमेंट की दिल्ली में हैं
और ज्यादातर लड़कियां ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली ही आती हैं, तो उनको स्टे के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप कुछ ऐसा सोचें आपको ठीक लगे कि कुछ दिल्ली में एक छोटा सा सेंटर उनके स्टे के लिए खोला जाए जहां पर रह सके और ट्रेनिंग ले सके, तो बहुत अच्छा होगा सर। ये पता क्या करता हूँ मैं, किसी मैं तो दिल्ली वाला ही हूँ ना, मैं किसी दोस्त से या फैमिली से बात करता हूँ, उनसे हम जगह मांग लेते हैं या ले लेते हैं कुछ किराए पे या कुछ, एंड फिर मैं आपको कृतिका को बताऊंगा, वहां जाके आप लोग डिवेलप कर लो, मतलब उसको जाके थोड़ा अच्छा कर लो, एंड गेट द गर्ल्स एंड लेडीज टू स्टे देयर एटलीस्ट। खाने पीने का वहां पे इंतजाम हो जाए, रहने का सोने का हो जाए और सेफ हो। ठीक है, मैं गीतिका, लेट्स वर्क ऑन दिस, आई विल आस्क सम फैमिली फ्रेंड्स एंड ऑल, लेट्स अरेंज अ नाइस प्लेस, और मैं पता करता हूँ, 100% पता करता हूँ। गुड आइडिया शायद, एंड मैं आप सबको यही कहना चाह रहा हूँ यार, आप लोग ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, थोड़ा ऊपर नीचे कुछ हो अच्छा ना लगे कोई फिक्र ना करें, क्योंकि हम कभी कभी ना ऐसा सोचते हैं जिंदगी के अंदर, यार ये मेरे साथ क्यों हो गया, और आप लोगों के साथ जो हुआ है उससे बड़ी तकलीफ शायद ही दुनिया में कोई हो, लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि इस तकलीफ के बावजूद भी आप लोग जो है इतनी हिम्मत से और इतने स्माइल्स जो है आपके इतने प्योर, और मुझे इतनी खुशी देते हैं कि आप लोग इतनी जद्दोजहद से, इतने with such grit and determination you're fighting this through, and I can only pray कि हम लोग साथ में मिलकर जिंदगी भर अपने आप को एक दूसरे को खुशियां बांट सकें। So we'll do that, and अपना ख्याल रखो थोड़ा ना, क्या बातचीत करने में मुझे बड़ा अच्छा लगा, तुम्हारा स्माइल, गाना सुना, सोनाली ने भी बात की मुझसे, नहीं है लेकिन सबसे अच्छा लगता है गले मिल के यार, तुमको हक करके तुम्हें बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत प्यार मिलता है, बहुत दिल को शांति मिलती है, करार मिलता है। So, thank you very much. And, दूसरी बात ये कि किसी बात की फिक्र मत करो यार, सब ठीक हो जाएगा, और पिक्चर अभी बाकी है, ये पिक्चर तो यार अभी चलती ही रहेंगी, हम लोग अभी बाकी हैं और हम लोग बहुत खुश रहेंगे। ऑल ऑफ यू आई लव यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत प्यार, और शाइन थैंक यू फॉर होस्टिंग दिस, गीतिका वंस अगेन गॉड ब्लेस यू एंड ऑल ऑफ यू, आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, और जिस जिसकी सर्जरी है अच्छी हो जाए, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू।